नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनाक महाजन और द इंडियन डॉक्टर चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे कोरोना वायरस के केस गिर रहे हैं और सब नॉर्मल सा होने लग रहा है, वैसे ही एक चिंता वाली बात हमें और सताने के लिए आ गई है, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। पूरे इंडिया में बर्ड्स की मौतें होने लग गई हैं, स्पेशली उन बर्ड्स की जो पालतू नहीं हैं। और अब बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा कन्फर्म हो चुका है केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और महाराष्ट्र में तो हाई अलर्ट तक लग गया है। कई स्टेट्स में माइग्रेटरी बर्ड्स, कौवे और ऐसे कई सारे पक्षियों की मौत हो रही है, जिस वजह से हड़बड़ी मची हुई है। ऐसी ही कई घटनाएं जापान, नीदरलैंड्स, यूके, साउथ कोरिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस जैसी कंट्रीज में भी देखने को मिल रही है। और हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिनकी वजह से ये सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। हमारा फेवरेट पड़ोसी चाइना, मुझे तो लगता है इनको किसी ने बद्दुआ दी होगी, तुम्हें कीड़े पड़े और ये प्लेट लेके चल पड़े। हर बीमारी इनसे शुरू होती है, कोविड, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसी कई सारी वायरसेस की देन इन्हीं की वजह से हुई है। पोल्ट्री मार्केट की पहले ही बैंड बजी हुई थी कोविड की वजह से, डिमांड थी ही नहीं, और अब बर्ड फ्लू ने उन छोटे पोल्ट्री बिजनेस पे इफेक्ट डालना शुरू कर दिया है। ये एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू एक डेडली वायरस है जो यूजली बर्ड्स को नुकसान करता है। इस बर्ड फ्लू के कई स्ट्रेन्स हैं, मतलब कई टाइप्स हैं, जिसमें से कॉमनली H5N1 हमें देखने को मिलता है और इनमें से सबसे जानलेवा भी यही है। पिछली बार जब 2006 में बर्ड फ्लू इंडिया आया था तो पोल्ट्री मार्केट पूरी तरह से हिल गई थी, इतना लॉस हुआ था, इतने सारे इंसानों की भी जान गई और इतने सारे चूज़ों को भी मार दिया गया था गवर्नमेंट के ऑर्डर से। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करती तो शायद और भी कई जाने ये वायरस लेके जाता। तो इस वीडियो में हम आपके मन में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बर्ड फ्लू के लिए उनके आंसर देंगे, और सबसे मेन क्वेश्चन क्या आप चिकन खा सकते हैं या नहीं, इसका भी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के ग्रुप ए की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक टाइप का आरएनए वायरस है जिसको आप आगे चार ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से ए ग्रुप मोस्टली पानी वाले जंगली बर्ड्स को इफेक्ट करता है, वो बाद में पोल्ट्री बर्ड्स में फैल जाता है और उससे इंसानों में आता है। बी ग्रुप ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है, सी ग्रुप कुत्तों और सूरों जैसे जानवरों को इम्पैक्ट करता है, जिससे वो बहुत बीमार हो जाते हैं एंड इट कैन कॉज लोकल एपिडेमिक। अब बात करते हैं नुकसान कैसे करता है। सबसे पहले तो अगर ये बॉडी के बाहर है तो ये निष्क्रिय रहेगा। अब ये कैसे करता है, तो जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि इस केस में है आरएनए, वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल में जाके अपना कब्जा कर लेता है। एग्जांपल से समझाऊँ तो मान लो सेल एक फैक्ट्री है, इसका मालिक एक आरएनए है। अब जब वायरस का आरएनए अंदर एंटर करता है तो वो बोलता है कि मैं असली मालिक हूँ, चलो मेरे लिए काम करो। अब उस फैक्ट्री में उसी आरएनए की कॉपीज बनने लगती हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब फैक्ट्री की स्टोरेज भी फुल हो जाती है और मशीनरी भी जवाब दे देती है, तो उस टाइम सेल मर जाता है। तो ये नकली मालिक अपने आरएनए बाबू क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का कंबल ओढ़ के अपने जैसे आरएनए को लेके अगले सेल्स पे यानी कि अगली फैक्ट्रीज पे कब्जा करने के लिए चले जाते हैं। इस तरह ये वायरस हमारे शरीर में फैलता है हमारी खुद की बॉडी का मैकेनिज्म यूज़ करके। जो अभी का बर्ड फ्लू चल रहा है वो H5N8 इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन की वजह से है। अब इंसानों के लिए उतना घातक नहीं है, पर बर्ड्स के लिए कोविड से भी ज़्यादा घातक है। केरला इस टाइम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ गवर्नमेंट के आदेश से ऑलमोस्ट 69,000 बर्ड्स को मार दिया गया है, जिसमें चिकन डक्स आते हैं, और कई सारे अंडों को भी डिस्ट्रॉय करवा दिया गया है। हिमाचल से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि इस बीमारी से ऑलमोस्ट 3,000 बर्ड्स मर चुके हैं, और ये सिर्फ नॉर्दर्न एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू ये बीमारी फैल रही है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इस वायरस से बीमार हो सकते हैं। तो ये बर्ड टू बर्ड फैलता है, इंसानों को बहुत कम इफेक्ट करता है। इसका फर्स्ट केस 1997 में देखने को मिला था और वो बंदा पोल्ट्री में ही काम करता था, तो ज़्यादा पोल्ट्री वर्कर्स को ही ये इफेक्ट करता है। बाकी इसका मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि है 60%। तो मेरी यही सलाह होगी कि सारे प्रिकॉशंस लें और सेफ रहें। जिनको दूसरी बीमारी है जैसे कि शुगर, बीपी, ओल्ड एज पीपल जो हैं, जो 60+ हैं, बच्चे जो 2 साल से नीचे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, वो सब खास ध्यान रखें। सिम्टम की बात करें तो नाक बहना, छींक आना, गले में दर्द, ये अर्ली स्टेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बुखार, बॉडी एक, ठंड लगना, सर दर्द, ऐसे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। प्रिकॉशंस क्या लें, तो अनकुक्ड या पार्शली कुक्ड एग्स या चिकन ना खाएं, हाई हीट वायरस को मार देता है, पोल्ट्री से कॉन्टैक्ट कम रखें, बर्ड्स की बीट या यूरिन से भी कंटेमिनेशन हो सकता है तो ऐसी जगहों से दूर रहें। अगर आपने बर्ड को टच किया है तो अपने हाथ अपनी आँखों या मुँह पर ना लगाएं, हाथ अच्छे से धोएं। कोविड हमें सिखा चुका है हाथ कैसे धोने हैं, बस उसी तरीके से आपने हाथ धोने हैं। तो अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे, क्या चिकन या एग खाना सेफ है।
तो बात कुछ ऐसी है कि ये अच्छे से प्रूव्ड नहीं है, ना ही इस पर कुछ रिसर्च ज़्यादा हुई है कि हेल्दी लोगों में इसका इफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर अपनी सेफ्टी के लिए आप अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके और अच्छे से कुक करके खाएंगे तो आप सेफ़ हैं, ऐसा WHO का कहना है। बस कच्ची चीज़ें जैसे कि कच्चे अंडे, हाफ बॉइल्ड, पोस्ट एग्स, ऐसी चीज़ें आप ना खाएं, इससे आपको खतरा रह सकता है। 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता, तो खाना अपना अच्छे से पकाएं। जो आप मीट लें वो ताज़ा लें। देखिए, पहले ही हमारा पूरा वर्ल्ड एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल से वो कंट्रोल आना शुरू हुआ है, तो एक और बीमारी को हम इन्विटेशन नहीं दे सकते। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।